हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर राम। दोस्तों, आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का नवंबर मंथ का मंथली एक्सपायरी था, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायर हुए हैं। यहाँ पे हमने बात किया था कि मार्केट बुलिश रहेगा, डेटा यहाँ पे बुलिश था क्योंकि FII एंड प्रो दोनों यहाँ पे कल बुलिश पोजिशन कैरी करके जा रहे थे। तो अगर बात करें आज के एनालिसिस का, तो आप यहाँ पे देखें कि बहुत ज़्यादा हमने तो मैसेज नहीं किया था, लेकिन फिर भी जो भी था वो सटीक था। मार्केट यहाँ पे इनिशियल में डेटा स्टोन बेरिस दिखाई दे रहा था, उसके बाद प्रो जो है वो आपको 20,050 के ऊपर जबरदस्त राइटिंग करने लगे थे पुट की। वो डेटा में इंडिकेशन मिल गया था उसी समय, आप यहाँ पे देखें। उसके बाद ही मैंने एक मिनट में प्रो राइटिंग पुट 20,019,980 आपको था, ये न्यूट्रल पॉइंट था, यानी मार्केट आपको ऊपर में था थोड़ा सा। 20,050 के स्ट्रॉन्ग पुट राइटर थे, 20,100 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर थे, यानी आपको मार्केट में इस बीच रखा जाता है। लेकिन लास्ट में जबरदस्त जो है वो 20,100 के ऊपर भी कॉल की राइटिंग, पुट की राइटिंग होने लगी वहां पे, और मार्केट उसके ऊपर शॉर्ट कवर कर दिया। ऐसे हमारा कल का शॉर्ट कवरिंग पॉइंट 20,100 का था। अगर आप कल की वीडियो देखे होंगे तो ये आपको पता चल गया था कि मार्केट 20,100 के आसपास क्लोजिंग देगा इसके ऊपर ही। और हमने यहाँ पे कॉल भी दिया, आप देखें 10.8 किया है तो ये नीचे आया नहीं, 16 आया इससे नीचे, उसके बाद इस हाई लगभग 90 का लगा, यानी जबरदस्त कॉल था यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट क्या था, एक साइड में लास्ट में हो गया था, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ गया था। अब ये डेटा के ऊपर क्या पोजीशन बन रहा था, थोड़े से हम डेटा देखेंगे, प्राइस एक्शन भी देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा कहाँ पे चेंजमेंट हो रहा था। तो इस एक्सपायरी में अगर देखा जाए, कॉल राइटर जो है वो थोड़े ढीले पड़ गए, पुट राइटिंग की कल भी पोजीशन जबरदस्त थी, राइटिंग की पोजीशन जबरदस्त वाली थी, तो आज लास्ट में सब पोजीशन सब क्लोज हो गया है, तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या होने वाला है इसको थोड़ा यहाँ पे हम देख लेते हैं चेंज करके। यहाँ अगले एक्सपायरी हमारा जो 7th का है यहाँ पे, और यहाँ पे ये 6th का होगा, ये आपको चेंजमेंट कर लेते हैं 5, और ये 4 दिसंबर का है। तो ये डेटा क्या हमें इंडिकेशन कर रहा है निफ्टी में, यहाँ पे भी मार्केट अभी बुलिश है। पुट के राइटर देखें तो ATM में तो ज़्यादा नहीं, ITM में नहीं, लेकिन ATM में OTM में टोटल 75% बैठे हुए हैं। सपोर्ट 20,075 का, रजिस्टेंट 20,296 का, न्यूट्रल पॉइंट 21,85 का, मार्केट यहाँ पे 21,33 क्लोजिंग दिया है, ऊपर ही है थोड़ी सी। यहाँ पे 20,000 जो है वो दिखा रहा है आपको टच करने की प्रोबेबिलिटी 33%। तो ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, न्यूट्रल पॉइंट ऊपर है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ अगर बात करें पेन का, फर्स्ट पेन ऊपर है, सेकेंड थर्ड नीचे है, तो 20,200 एक बार जरूर टच करना चाहिए मार्केट में। निफ्टी में सबसे ज़्यादा पोजिशन आज आप देखें तो बनाया गया है कॉल साइड और पुट साइड में, कॉल साइड सबसे ज़्यादा 20,200 के पास बनाया गया है पोजिशन, इवन 20,500 के ऊपर भी, और पुट साइड इन द मनी यहाँ पे राइटिंग किया गया है 20,200 के ऊपर, तो डायरेक्शन ऊपर के तरफ है। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अभी सपोर्ट है वो 44,417 का है, रेजिस्टेंस 44,742 का है, न्यूट्रल पॉइंट 44,580 का है, अब 44,481 यानी 100 पॉइंट्स न्यूट्रल पॉइंट ऊपर है, तो मार्केट क्या है, डायरेक्शन अपसाइड है। 44,500 टच करने की प्रोबेबिलिटी जो अपसाइड है वो आपको देखिए 51 यानी मार्केट में ऊपर रहने के चांसेस हैं। 44,500 के नीचे कोई नहीं है यहाँ पे चांसेस। और राइटर कहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़े से कॉल में राइटर यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे देखें कि राइटर इन द मनी ATM में भी OTM में भी 56% से यहाँ पे कॉल में। तो एज निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है, थोड़ी सी, तो निफ्टी भी खींच देगा एकदम। बायर हैं वो आपको कॉल में बैठे हुए हैं बायर, तो हमें राइटर का प्रायोरिटी देना है। यहाँ पे मैक्सिमम राइटिंग थोड़ी सी कॉल में हो रही है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हो रही है, 44,500 के ऊपर या 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 28, तो 44,500 अभी क्या है आपको थोड़ी सी यहाँ पे रेजिस्टेंस साबित हो रहा है। 44,500 के ऊपर जब निकलेगा तो मार्केट एक अच्छा खासा 44,800 का लेवल दे सकता है। थोड़े जो है वो कॉल में थोड़ी सी राइटिंग ज़्यादा हुई है थोड़े से, और हमारा पेन थोड़ा ऊपर है, जो पेन है तीनों ऊपर है, कॉल की राइटिंग अभी भी कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो बैंक निफ्टी एज निफ्टी जैसा स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा वीक है। यहाँ पे बात किया जाए फिन निफ्टी का, सपोर्ट 20,004, रेजिस्टेंस 21,96, न्यूट्रल पॉइंट 20,100, क्लोजिंग 20,054 का, मार्केट थोड़ा ऊपर है, राइटर यहाँ पे पुट में बैठे हुए हैं चारों तरफ, यानी पुट की राइटिंग हो रही है,
और बायर कॉल में है, तो फिन निफ्टी यहाँ पे क्या है ऊपर है। एक्सपायरी अभी आपको सबसे इसके बाद क्या होना है, मिड कैप निफ्टी का, उसके बाद फिन निफ्टी का। तो मिड कैप में देखा जाए, मिड कैप निफ्टी का सपोर्ट 9654, रेजिस्टेंस 9738, न्यूट्रल पॉइंट 9696, मार्केट उसी के आसपास क्लोजिंग दी है और 10,000 टच करने की प्रोबेबिलिटी 5095, 19% अपसाइड के चांसेस हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी इसी का होना है आपको, और राइटर हो वो पुट में बैठे हुए, यानी पुट की राइटिंग कॉल की बाइंग हो रही है, मार्केट अपसाइड रहेगा। तो शॉर्ट पोजीशन आप बिल्कुल नहीं बनाइए, यहाँ पे जितने आज शॉर्ट थे वो मैक्सिमम पोजीशन क्लोज हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं आपको चार्ट का, तो अभी इमीडिएट जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 20,000 का, 20,000 इमीडिएट सपोर्ट है, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा। 20,200 की एक बार लेवल को टच करेगा, 20,200 जो ऑल टाइम हाई, इसको ब्रेक करके जब ऊपर जाएगा तो फिर अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे बता दिया, आप उस लेवल पर ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक रहा, बैंक निफ्टी का अभी जो लेवल है 44,620 का, मैंने जो बात किया था कल 650 का, ये अभी क्लोजिंग नहीं दे रहा है, इसके ऊपर जब क्लोजिंग देगा तो टारगेट हमारा आपको 45,200 का, पहला टारगेट 45,000, फर्स्ट 45,200, उसके बाद फिर 45,900 का हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो आपको लॉन्ग करना है तो एक बार वेट करिए 44,600 के ऊपर ब्रेक करने का, नहीं आप 44,500 के नीचे शॉर्ट बनाए रखिए, टारगेट हमारा 44,200 का जो टच किया था यहाँ तक आ सकता है। निफ्टी आज बैंक निफ्टी को ऊपर खींच के लिया है, फिर निफ्टी अभी सपोर्ट जो है वो बिल्कुल ले रहा है जो 19,900 का, इसके ऊपर है एक रेजिस्टेंस 20,100 का भी आ रहा है, 20,100 ब्रेक करेगा तो फिर टारगेट हमारा 20,400 का आ जाएगा ऊपर में। तो एक बार 20,100 जब निकलता है तब आप लॉन्ग करिए, स्टॉप लॉस 20,060 का डालिए, यहीं आप वेट कर सकते हैं कच्चा कैंडल का ब्रेक होने का। अब बात करें हम मिड कैप निफ्टी, तो ऑलरेडी बुलिश है, ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, तो इसमें भी कोई ऐसा चार्ट नहीं बना, लेकिन ये बुलिश पैटर्न बना के रखा है। FII आज जबरदस्त कैश में बाई कर गया है, ये देखिए 8,100 करोड़ की उन्होंने बाइंग की आज, जबरदस्त वाली। तो यहाँ पे इनकी डील थी किसमें, टाटा वाले में, टाटा जो टेक्नोलॉजी आया उसमें उनकी एक अच्छी डील थी, 66,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की, 58,000 करोड़ की सेल की, इतनी बड़ी क्वांटिटी आप पहली बार देखेंगे, बहुत ही कम ये आपको देखने का मिलता है। यानी ओवरऑल यहाँ पे कैश में बड़ी डील हुई है, उन्होंने कोई एक अच्छे स्टॉक्स में बाई नहीं किया, वो एक एसएस जो है पार्टिकुलर एफएनओ या फिर आईपीओ जाया था उसमें उनकी डीलिंग हुई है। दोस्तों अभी जो है 30 का डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कि डेटा अभी भी NSE के साइट पे अपडेट यहाँ पे नहीं है, तो हम अभी पार्टिसिपेंट वाइज ओपन टेस्ट का डेटा आपको नहीं दिखा सकते, उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको जरूर डाल दूंगा। ओवरऑल मार्केट यहाँ पे बुलिश है, मार्केट को आप शॉर्ट मत करिए, वेट करिए एक अच्छे डायरेक्शन का, कम ट्रेड करिए, हमेशा स्टॉप लॉस डाल के करिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर करके। दोस्तों डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाय सेल या होल्ड का ऑप्शन क्लिक ना कीजिए, अपने फाइनेंशियल वाइज से जरूर सलाह लीजिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।